मैं निर्भया की मां का बयान सुन रहा था। उन्होंने अपनी बेटी खोई एक बर्बरता के समक्ष, उसके बाद भी इस देश में कुछ नहीं बदला। रेप को भी लोग पॉलिटिकल चश्मे से देखने लगे हैं। क्या चाह रहे हैं आपसे? चांद का टुकड़ा नहीं चाह रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट चाह रहे हैं। हमने उनके पेरेंट्स का बयान सुना, उन पे क्या बीत रही होगी, उनकी जिंदगी का चिराग तो चला गया। उस नजरिए से हम सबको सोचना होगा। पूरा देश आंदोलित था, मैं कतई नहीं मानता सिर्फ डॉक्टर। आज मैं निर्भया की मां का बयान सुन रहा था। उन्होंने अपनी बेटी खोई एक बर्बरता के समक्ष, उसके बाद भी इस देश में कुछ नहीं बदला। मतलब रेप को भी लोग पॉलिटिकल चश्मे से देखने लगे। हमने तब भी कहा था, हम अब भी कह रहे हैं, सीबीआई त्वरित कार्रवाई करे, लेकिन साथ ही डॉक्टर्स की जो डिमांड है उसमें केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। क्या चाह रहे हैं आपसे? चांद का टुकड़ा नहीं चाह रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट चाह रहे हैं। क्या दिक्कत है? क्यों डिली डेली कर रहे हैं आप? ये महत्वपूर्ण है। सर, बंगाल के सरकार ने जो फैसला लिया था डॉक्टर का ट्रांसफर का, वो फैसला वापस ले लिया। देखिए, ये सब छोटे सब हेडिंग्स हैं, इसका कोई मायने नहीं है। मायने है कि हम सबको इंतजार करना चाहिए, हम सबको इंतजार करके ये कोशिश करनी चाहिए कि त्वरित कार्रवाई हो। हमने उनके पेरेंट्स का बयान सुना, उन पे क्या बीत रही होगी, हमारे लिए खबर है। प्रतिक्रिया देते हैं कभी आक्रोश में कभी वैसे, लेकिन उन पर उनकी जिंदगी का चिराग तो चला गया। उस नजरिए से हम सबको सोचना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।